अरशद की भी बैठक है, क्या लगता है कि उसमें तारीख तय हो सकती है? देखिए, शाम को 5 बजे इस बात की पूरी संभावना है कि इस्तीफे ले लिए जाएं, क्योंकि अगर कल राजभवन में शपथ होगी तो एक कांग्रेस की परंपरा भी रही है कि सभी मंत्रियों के इस्तीफे लेकर जिन मंत्रियों को ड्रॉप किया जाना है उनके नाम लिस्ट में से हटा दिए जाएं और एक नए नाम जोड़ते हुए लिस्ट जो है वो राजभवन भेजी जाएगी। अब सबकी नज़रें राज्यपाल पर हैं, राज्यपाल कब शाम को, आज शाम को कितने बजे जयपुर आते हैं और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनसे मुलाकात करने जाएंगे और अपनी समय और अपनी एक जो चिट्ठी है वो संभवतः राज्यपाल को सौंपेंगे। लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 10 से 12 जो है नए मंत्रियों के नाम फाइनल कर लिए गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से उन्हें सूचना भी दे दी गई है, उन्हें जयपुर में रुकने के लिए कहा गया है और अजय माकन और गहलोत की इस डिस्कशन में कुछ नाम ऐसे थे जिनको लेकर अभी भी अड़चन थी, लेकिन वो अड़चन भी अब कहें तो दूर कर ली गई है। और एक तस्वीर मैं अपने कैमरामैन से कहूं, मंत्रिमंडल की पुनर्गठन की खबरों के बीच की एक तस्वीर वो दिखा दें कि ये किसान विजय दिवस के मंच की तस्वीर है। यहाँ पर पार्टी के पदाधिकारी अभी पहुंचना शुरू हुए हैं, कुछ ही देर में यहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को हम देखेंगे, यहाँ अजय माकन भी आएंगे। और जिस तरीके से कृषि कानून की वापसी हुई है, कृषि कानून वापस लिए गए हैं, उसको लेकर अब जो है कांग्रेस किसानों के समर्थन में ये सभा कर रही है। यहाँ पर पार्टी के वरिष्ठ नेता हमें दिखाई देंगे, डोटासरा भी होंगे और उसकी तैयारियां यहां पर है। लेकिन सबसे बड़ी खबर जिसको लेकर हम लगातार बात कर रहे हैं, मंत्रिमंडल के चेहरे की, आकार की, उसका फाइनल खाका, फाइनल ड्राफ्ट जो है वो अब बन चुका है और इंतजार है कि राज्यपाल से मुलाकात करके वो चिट्ठी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उन्हें सौंपे। बिल्कुल, आप लगातार बने रहिए, मैं आपके पास वापस आऊंगी। मनोहर जोशी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। मनोहर, जैसे अजय माकन जो है वो जयपुर पहुंच चुके हैं और राज्यपाल कलराज मिश्र जो है आज शाम तक जयपुर पहुंच जाएंगे, मैराथन मीटिंग्स का दौर लगातार जारी है, ना सिर्फ राजस्थान में की जा रही है, दिल्ली में भी मीटिंगों का दौर जो लगातार जारी है, क्या कुछ जानकारी कलराज मिश्र जिस मीटिंग में शामिल थे इसको लेकर क्या अपडेट? देखिए, आपको बता दें कलराज मिश्र लखनऊ के दौरे पर है और वो शाम तक जयपुर पहुंचेंगे, ऐसी संभावना बताई जा रही है। जहां तक दिल्ली की बात की जा रही है तो मैं आपको बता दूं कि दो तरीके से ये राजस्थान का पुनर्गठन, मंत्रिमंडल का पुनर्गठन है वो होने जा रहा है। एक जयपुर के ब्याप पर है और दूसरा है जो दिल्ली के वाला आला कमान के ब्याप पर। यहाँ से जो मैसेज लेकर के जिस तरीके से अजय माकन वहां पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट लगातार ये कहते रहे कि जो प्रदेश प्रभारी है उसको हम सूचना देते रहेंगे और वो उनसे अपडेट लेते रहेंगे और वो सोनिया गांधी से फाइनल बात करके इस पर आखिरी जो है निर्णय लेंगे। तो ये वो समय आ चुका है कि आखिरी निर्णय लेकर के, आखिरी फैसला करके, सोनिया गांधी से बात करके, राहुल गांधी से वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात करके, प्रियंका गांधी से बात करके अजय माकन जयपुर पहुंचे हैं। और जिन नामों को लेकर के थोड़ा बहुत मतभेद था या जो ऑब्जेक्शन था, उन नामों पर कल रात को विस्तार से डिस्कस कर लिया गया है और अब इसी तरीके से कोई जो है कसर नहीं है और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर या पुनर्गठन को लेकर जो सारी जो तैयारियां करनी थी, किनको बनाना है, किनको हटाना है और किस समीकरण से लेना है, ये तमाम चीजें तय कर ली गई है। और ये भी तय कर लिया गया है कि अगर मंत्रिमंडल में जिनको स्थान नहीं मिले उनको क्या संसदीय सचिव बनाया जाए या और कुछ जो है पार्टी में पद दे करके उनको सम्मान दिया जाए। बिल्कुल, ये तमाम चीजें तय की है। तो ये इस तरीके से आज का जो आज की जो शाम की बैठक है उसमें भी ये साफ हो जाएगा कि किन मंत्रियों पे हो रहे हैं और किन मंत्रियों का जो पद है बच रहा है। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जिन मंत्रियों के नाम तय कर लिए गए हैं उनको सूचित भी कर दिया गया है, लेकिन दिल की धड़कने कुछ मंत्रियों की, कुछ लोगों की भी बड़ी होंगी। सुशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशांत,